नमस्ते, खेड़ेकस होममेड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं महाराष्ट्र की काफ़ी प्रसिद्ध डिश, जिसका नाम है मिर्ची का ठेचा। मिर्ची का ठेचा बनाने के लिए हमें चाहिए 15 से 20 हरी मिर्च। ये हमने कम तीखी वाली ली है, इन्हें हमने दो टुकड़ों में तोड़ लिया है। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, आधा नींबू का रस, नमक और तेल। तो चलिए मिर्ची का ठेचा बनाते हैं। मिर्ची का ठेचा बनाने के लिए हम सबसे पहले एक तवा गरम करेंगे। तवा जब हमारा गरम हो जाएगा, तब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब हम इस पर हरी मिर्च डालेंगे और इसे हिला लेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा ढक के रख देंगे। मिर्ची जब गरम तेल में जाती है तो वो तड़कती है और उससे छींटे भी उड़ सकते हैं, इसलिए हमने इसे ढक कर रख दिया है। 20 से 30 सेकंड तक हम इसे ऐसे ही ढक के रहने देंगे। 20 सेकंड हो चुके हैं, अब ढक्कन हटाकर हम इसे फिर से अच्छे से हिला लेंगे। अब हम इसमें लहसुन की कलियां डालेंगे और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे फिर से 20 से 30 सेकंड के लिए ढककर रख देंगे। बीस सेकंड हो चुके हैं, फिर से ढक्कन हटा के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारी लहसुन की कलियां अच्छे से सीखी नहीं है, इसलिए हम इसे थोड़ी देर के लिए और ढक कर रखेंगे ताकि अच्छे से सिक जाए। एक बार फिर ढक्कन हटाकर हम इसे मिक्स कर लेते हैं। फिर से थोड़ा सा इसे पकने देते हैं। मिर्ची हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे मैश करेंगे। मिर्ची को मैश हम यहाँ पर पत्थर की मदद से कर रहे हैं। आप चाहें तो लोटे की मदद से भी कर सकते हैं या फिर इसे मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर इसका एक्चुअल जो टेस्ट है वो हाथ से इसे मैश करने पर ही आता है, अर्थात इसे ठेचने पर आता है। या मैं इस तरीके से मिर्ची को धीरे धीरे मैश करना है। इस तरीके से हमें पूरी मिर्ची मैश करनी है। इसे हमने हल्का मैश कर लिया है। अब हम इस पर नमक डालेंगे जो हमने अभी तक नहीं डाला था। और फिर से इसे मैश करेंगे। मिर्ची हमारी अच्छे से मैश हो चुकी है। अब हम इसे
एक्स्ट्रा जो मिर्ची इस पे पत्थर पे लग गई है उसे निकाल लेंगे और इसे एक बार फिर से तवे पर गरम करने रखेंगे। ये हमने पत्थर से पूरी मिर्ची निकाल ली है, अब हम तवा एक बार फिर से गरम करने रख देते हैं। तवे को हमने गैस पर रख दिया है, अब हमें इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही मिलाना है, इसे कंटिन्यू हमें हिलाते रहना है। 1 मिनट हो चुके हैं, हम इसमें हल्का सा तेल वो डाल देते हैं और फिर से इसे पकने देते हैं। अभी हम 1 मिनट तक और इसे ऐसे ही पकाएंगे। हो चुका है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इस पर जो हमने नींबू का रस निकाला हुआ था वो डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मिर्ची का ठेचा बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। ये देखिए हमारा मिर्ची का ठेचा बिल्कुल तैयार है, आप इसे रोटी, चपाती या भाकरी किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसे आप घर पर बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।